हमने देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारी बीमारियों में इन्वॉल्व है, तो आइए समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस दरअसल पैदा कैसे होती है। हाय, आई एम डॉक्टर स्मर्थ फ्रॉम डॉक्टर न्यूट्रिशन प्लस। इंसुलिन दरअसल आपकी हर मील के बाद आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू होता है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं इंसुलिन बढ़ जाता है, और इससे पहले कि इंसुलिन वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आए, अब इतने में दोबारा कुछ खा लेते हैं तो वो दोबारा बढ़ जाता है। इस तरह से सारा दिन मल्टीपल मील्स की वजह से आपके दिन इंसुलिन का जो लेवल है वो बढ़ा ही रहता है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मील्स को लिमिट करें तो इंसुलिन रिस्टोर भी होता है अपने अच्छे लेवल पे, और दोबारा से जरूरत पड़ने पर बढ़ता भी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने से पहले आइए पहले ये देखते हैं कि इंसुलिन दरअसल काम कैसे करता है। हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, हर सेल के कुछ रिसेप्टर्स हैं जहां पे इंसुलिन जाके अटैच होता है। जैसे ही इंसुलिन अटैच होता है तो चैनल्स खुल जाते हैं जिससे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देता है। क्योंकि नंबर ऑफ मील्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो जैसे हम बहुत ज्यादा मील्स खाते हैं, नंबर ऑफ मील्स ज्यादा होने से इंसुलिन की मात्रा सेल्स के आसपास हमेशा बढ़ी पाई जाती है, जिसकी वजह से सेल्स इंसुलिन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देते हैं जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आने वाली हम कुछ वीडियोस में समझेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से हम कैसे बचेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये एक साइंटिफिक चैनल है, इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।